शारदीय नवरात्र के प्रारंभ होते ही खनिया थाना नगर जगह जगह माता रानी की झांकियों से सुसज्जित हो चुका है। शक्ति की उपासना में युवा हो या बुजुर्ग, सभी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। माता के नौ रूपों में से एक मां काली का दरबार खनिया थाना राजमहल के पीछे लगातार 33 वर्षों से लगता आ रहा है। माता के रौद्र रूप की उपासना में लगे हुए युवाओं में एक अलग ही ऊर्जा का संचार माँ करती रहती है। माँ काली के दरबार में पुराना नगर पालिका चौराहा और JTS ग्रुप के द्वारा टेकरी सरकार पर माता का दरबार कई वर्षों से लगता आ रहा है। हजारों की संख्या में हर शाम भक्तजन माता रानी के दर्शन के लिए इन सभी झांकियों में पहुंचते हैं। माता की झांकियों में लगे हुए सेवादारों के द्वारा लगातार भक्तों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने कहा जाता है। 9 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में संपूर्ण नगर माँ की भक्ति में डूबा रहता है। अच्छा, नवदुर्गा महोत्सव, ये काली माता की जो आपने मूर्ति स्थापना की है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। माँ काली महोत्सव समिति के लिए हम लोग लगभग 33 साल से आयोजन कर रहे हैं इसका, और इसके पहले माँ दुर्गा जी को विराजमान करते थे। इसके बाद फिर जब से काली महोत्सव समिति का गठन हुआ, इसके बाद फिर हमने माँ काली जी की प्रतिमा को विराजमान किया, और कोरोना काल में गाइडलाइंस का भी पालन कर रहे हैं हम लोग। भक्त लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था भी गाइडलाइंस के हिसाब से चल रही है। साथ में माँ काली महोत्सव के विसर्जन के लिए भी अच्छे से तैयारी करते हैं, गाइडलाइंस का पालन करते हैं कोरोना काल की वजह से। और आखिरी दिन माँ काली महोत्सव समिति की ओर से सभी नगर की कन्याओं का भोज करते हैं। ये हमारा कार्यक्रम है। हमारे दरबार की विशेषता है, यहाँ दुखियों के दुख दूर होते हैं, सब माताओं की गोदियाँ भरी जाती हैं, जो मन्नत मांगता है उसकी पूरी होती है, साल भर आके वो चढ़ावा चढ़ाता है। ये हमारे